मक्का की रोटी बनाने के लिए हमने लिया एक कटोरी आटा। इसे हम हल्के गुनगुने पानी से गूंथ लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ थोड़ा सा पानी यूज़ किया है और उसके बाद हम इस आटे को अच्छे से मथ लेंगे। हमारा आटा जितना मथा हुआ होगा हमारी जो रोटी है वो उतनी ही अच्छी बनेगी। हमें हल्का सा पानी का हाथ लगाते हुए आटे को मथना है। ये देखिए थोड़ा सा पानी लगाया और उसके बाद हम आटे को बहुत अच्छे से फिर से मथेंगे। आटे को हमें इतना मथना है कि हमारा जो आटा है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा आटा जितना मथा हुआ होगा हमारी जो रोटी बनाएंगे वो टूटेगी नहीं, वो बहुत आराम से फूली फूली बनेगी। ये देखिए अब हम यहाँ पे इसकी एक छोटी सी लोई बना लेंगे और पानी का हाथ लगाकर उसे हथेलियों की सहायता से थोड़ा सा रोल करेंगे और फिर उंगलियों की सहायता से थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे। मक्का की रोटी को हम बहुत धीरे धीरे करके हथेली की सहायता से बेल लेंगे। बहुत जल्दी हमें नहीं करना है, उससे क्या होगा कि हमारी जो मक्का की रोटी है वो बीच में से टूट जाएगी। तो देखिए हमारी रोटी अच्छे से बेल चुकी है। यहाँ पर हमने पहले ही तवे को रख दिया था गर्म होने के लिए, जो अच्छे से तेज़ गर्म हो चुका है और हम इसे तेज़ आँच पर ही सेकेंगे। तो देखिए हमारी रोटी एक साइड से सिक चुकी है, दूसरी साइड से हम इसे पलट देंगे। ये ध्यान रखिए कि जब भी आप रोटी को पलटें तो किसी करछी की सहायता से ही बदलें, अगर आप हाथ से इसे पलटेंगे तो ये टूट जाएगी। तो देखिए हमारी रोटी इधर से बिल्कुल अच्छे से सिक चुकी है। तो देखिए हमारी रोटी अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसे गैस पे सेक लेंगे। ये देखिए रोटी को घुमा घुमा के हमें सेकना है, धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और रोटी को सेकते जाएंगे। तो ये देखिए हमारी रोटी एक साइड से अच्छे से सिक चुकी है, अब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे। आप इसे अपने हिसाब से जितनी करारी आपको करनी है आप उतनी कर सकते हो। ये देखिए कितनी आराम से हमारी रोटी बनी है। इसे बनाने में हमने बिल्कुल भी गेहूं के आटे का यूज़ नहीं किया है। ये देखिए हम इसे देसी घी के साथ लगा के सर्व करेंगे और इसी तरह से हम अपनी दूसरी रोटी भी बना लेंगे। मक्का की रोटी आप जब भी बनाएं आटे को दोबारा से मथना ही चाहिए, उससे हमारा आटा और सॉफ्ट होता है। हल्का सा पानी का हाथ लगा के आप उसे इसे अच्छे से मथिए। मक्का का आटा जितना अच्छे से मथा होगा रोटी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो ये देखिए फिर से हम उसी तरह अपनी लोई बना लेंगे और पानी का हाथ लगाते हुए फिर से। तो देखिए इसी तरह हम अपनी सभी मक्का की रोटी को बना लेंगे। तो ये देखिए हमारी रोटी बन चुकी है और ये हमने तवे पे रख दिया और उधर हम अपनी दूसरी रोटी सेक लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया रोटी फूली है हमारी। तो देखा आपने मक्का की रोटी बनाना कितना आसान है, और इस तरीके से मैं अपनी सारी रोटियां बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी जो मक्का की रोटी है कितनी अच्छे से फूली है। अब हम इस पे लगाएंगे देसी घी। देसी घी लगाने से क्या होगा, मक्का की रोटी का स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो देखा फ्रेंड्स आपने, हमने मक्का की रोटी कितनी आसानी से बनाई और कितनी जल्दी बनाई। इन्हें बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा और अब ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो
तो देखिए फ्रेंड्स, आलू गाजर की सब्जी, गाजर का रायता और मक्का की रोटी, उस पे मक्खन, गुड़ और गाजर मूली का अचार, एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। इस खाने के सामने फाइव स्टार होटल का खाना भी फेल। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए और एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक यू।